हल्के हल्के से टायर वो लग रहे हैं स्लिपरी मिट्टी में। मूड बहुत खराब है और मिक्स फीलिंग्स है। ये देखिए हमारी नूडल्स बन रहे हैं दोस्तों, और ये ड्राइव इतनी खूबसूरत है, हल्की सी जगह। हाँ, IPL इन कनासोर। फ्रेंड्स वेलकम बैक, ये है पार्ट 3 हमारे चकराता ट्रिप का। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। पार्ट 1 में हमने दिल्ली से चकराता तक का सफ़र तय किया था और हम रुके हुए रिज व्यू कॉटेजेस में, जो कि बहुत अच्छी लोकेशन है। पार्ट 2 में हमने आपको दिखाया टाइगर फॉल और साथ में चिलमेरी टॉप। मोमोज तो आपने ज़रूर खाए होंगे चंद्रनास के, जैसा कि हमने बताया सबसे पुरानी फेमस मोमो शॉप है चकराता की। तो अगर आप चकराता आएँ तो वहाँ जाके मोमो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए चलते हैं पार्ट 3 में। सो आज के दिन एक्चुअली मौसम तो सही नहीं है, पर हम जाने की सोच रहे हैं कनासर और दूसरा मोइला टॉप। दोनों जगह के लिए एक ही रास्ता जाता है और मौसम कुछ लुका छुपी खेल रहा है, तो देखते हैं कैसा रहता है आज। बारिश हो गई है, मोइला टॉप एक वहाँ पे जा भी पाएंगे हम लोग? पता नहीं, बारिश और 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है तो वहाँ पहुँच के ही देखते हैं। मुझे तो मुश्किल लग रहा है, अगर क्योंकि कीचड़ हो जाएगा ट्रैकिंग में और थोड़ा मडी रास्ता भी है वो, तो वहाँ पे तो बहुत आई थिंक मुश्किल लग रहा है मुझे। बट देखते हैं, हम लोग पहुँचने की कोशिश तो करेंगे, वहाँ तक ड्राइव करके जाएंगे और ऊपर चढ़ पाए, हो सकता है वहाँ बारिश ही ना हो, और अगर हुई तो फिर यार वापस आ जाएंगे। हाँ देखते हैं जो भी होता है। दोस्तों ये है चकराता का बस स्टॉप, अगर आप बस लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको बस का ड्रॉप मिलेगा। कि अब हम थोड़ा सा आगे ही आए हैं चकराता क्रॉस करके और यहाँ पे कोई बारिश नहीं है, तो मेरे ख्याल से अगर आगे भी नहीं मिलती है तो आई थिंक हमने सही डिसीजन लिया है कि हम लोग वापस नहीं गए, और होपफुली आगे जाके हम अपने डेस्टिनेशन पे हाइकिंग पूरी कर पाएंगे। वाह रे तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। अगर आप लोग आए और यहाँ पे गूगल मैप पे 100% डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि वो आपको घुमा देता है, इतना अच्छा काम नहीं करता गूगल मैप यहाँ पे, तो आपको ट्रेडिशनल तरीके से लोगों से पूछते हुए ही जाना होगा। दोस्तों बाहर हो गया है टेम्परेचर 13 डिग्री, मतलब बहुत ही ठंडा, और बारिश दोबारा से शुरू हो गई है हल्की हल्की। आई थिंक सुमित यही तो मजा है लॉन्ग डिस्टेंस पहाड़ों में ड्राइव का। बिल्कुल बिल्कुल, और पहाड़ों का मजा यही है, पल में शोला पल में माशा जैसे बोलते हैं। ऐसी रोहतांग की जब चढ़ाई करते हैं ना, तो ऐसे वो आती है ना। रास्ता इतना प्यारा है, मैं आपको क्या, मैं सच में बोल नहीं पा रही हूँ, स्पीचलेस, आउट ऑफ द वर्ल्ड रास्ता है मोइला टॉप का। फ्रेंड्स हम लोग रास्ते में हैं मोइला टॉप के, और आप देख सकते हैं वादियाँ। मैं इसकी ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी, आप ही देख के बताइए आपको कैसा लगा। और ये ड्राइव इतनी खूबसूरत है कि क्या, तो मुझे तो लग रहा है हम लोग मनाली ही क्यों जाते हैं इतने किलोमीटर, जो हमारे पास में इतना सुंदर हिल स्टेशन है। मैं अपने मुँह से तारीफ़ नहीं करूँगी, मैं बोल चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और फिर हमें कॉमेंट करके बताए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ के मज़े हैं। मैंने वाटरफॉल देखा है, मैंने रोहतांग पास जैसी ड्राइव देखी है, और इसके अलावा आपने व्यू पॉइंट देखे ही हैं चिलमेरी टॉप एंड ऑल दैट। तो सारे हिल स्टेशनों का एक जोड़ मिला के मैं कहूँ तो चकराता में वो सब कुछ करने के लिए है जो कि हम अलग अलग हिल स्टेशंस में देखते हैं। और मैं बस यहाँ पे रुकी थी कि आपको ये व्यू पॉइंट दिखा सकूँ। रोड की तो मैं क्या बात करूँ, रोड ऐसी मक्खन है कि अगर मैं गाड़ी से हाथ लगा के कैमरा बाहर निकालती हूँ तो इतना सा भी कैमरा हिलता नहीं है। और यही रोड शिमला की तरफ जा रही है, मे बी इसलिए इतनी अच्छी है, यहाँ से 184 किलोमीटर है शिमला, मगर रोड ऐसी मक्खन है, तो आप लोग शिमला से भी उधर आ सकते हैं अगर आप शिमला में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं। हाँ ड्राइव बहुत अच्छी है, मज़ा चल रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम भी हो गया है, तो मौसम ने भी मज़े बांध दिए हैं। अब देखिए कितने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, जहाँ हम रुके थे वहाँ तो फिर भी बहुत कम थे, बारिश तेज़ हो रही है, हल्का सा, बहुत हल्का माइनर,
माइनर माइनर हल्की सी जगह। हाँ ठीक है ठीक है। क्या करने हैं आप? कुछ खाने के लिए यार। भूख लग रही है आपको? हाँ पापा फास्ट फूड पे लेते हैं। मैगी आपका नाम क्या है? नाम तो बता दो। ममता। ममता बहुत टेस्टी नूडल बनाती है। नीचे लकड़ी जल रही है, ऊपर चूल्हे में से आग आ रही है। छोटी सी दुकान पे मोइला टॉप से 2 किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ पिट स्टॉप पे रुके हैं। पीछे बादल, ओए होए, पीछे सीन ही देखना है। मोइला टॉप अच्छी और सुंदर जगहों पे जाना आसान नहीं होता। जैसे कि अगर आपको ब्यूटी देखनी है तो मोइला टॉप के हम लोग रास्ते में हैं, मतलब बिल्कुल पहुंच ही चुके हैं। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, बट गाड़ी का भी जो रास्ता है थोड़ी देर का वो काफ़ी रफ टेरेन है। आप देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मोइला टॉप की ट्रैकिंग। यहाँ से स्टार्ट होती है, 2.5 किलोमीटर है यहाँ से रास्ता और ये ट्रैकिंग शुरू है। एक्चुअली पीछे बादल छाए हुए हैं और बिजली कड़क रही है, सो हमें पता नहीं है, हम हाफ वे रिटर्न करना पड़ेगा क्या पता, बट देखते हैं। यहाँ पे भैया गड्ढे कर रहे हैं पहाड़ में। हमने पूछा क्यों कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि बारिश का पानी नीचे सड़क पे ना जाए, इसलिए छोटे छोटे पॉट होल्स बना देते हैं और सड़क भी मजबूत रहे और लोगों के रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। ऊपर से कुछ लोग आ रहे थे, उन्होंने बताया कि ऊपर बारिश हो रही है तो ये टाइम ठीक नहीं है जाने का, तो इसलिए वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग अभी ना जाएं आज। और यही है, जितने भी लोग हैं सब वापस आ रहे हैं इस टाइम पे, बट पॉसिबल नहीं लग रहा है। मूड बहुत ख़राब है और मिक्स फीलिंग्स है। देखो दोस्तों, बारिश स्टार्ट हो गई है और इन्हें डांस करने का पड़ा है रुक रुक के।
परंतु बंधु अब हमें निकलना होगा। बारिश काफी तेज हो गई है दोबारा से। हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया भाई, बारिश तेज पड़ रही है, ऐसी भी नहीं है इसमें बच जाओगे। हल्के हल्के ओले गिर रहे हैं। हाँ हाँ हल्के हल्के से टायर बहुत लग रहे हैं स्लिपरी मिट्टी में। फ्रेंड्स, जैसा कि बोला जाता है पहाड़ों में मौसम का कुछ पता नहीं चलता, ऐसा ही हुआ। बहुत तेज बारिश हुई, ओले गिरे और हम फिर थोड़ी देर बाद ड्राइव के लिए निकल गए कनासर की ओर। हम लोग हैं अभी इस समय कनासर में। कनासर एक वैली है और वहाँ पे बच्चों का मस्त क्रिकेट मैच चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ के लोकल लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत प्यारी खुशबू है यहाँ पे पेड़ों की, पौधों की। अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकती, बट यहाँ पे रिमझिम बारिश भी चल रही है तो अलग ही माहौल है। छोटा सा मंदिर है उधर, टूरिस्ट आके फ्रिस्बी खेल रहे हैं और आउट है। फील्डिंग कर लो आप भी तो बैटिंग करेंगे। सचिन है, सचिन बैटिंग करेंगे हम तो। कहाँ गया वो री? चलो जब तक इनका फाइनल मैच चल रहा है हम लोग आपको यहाँ वैली दिखाते हैं। बाकी क्रिकेट खेलने के अंदर अंदर क्रिकेट का कीड़ा तो हम सबके अंदर होता है कि एक बॉल मिल जाए खेलने को, और वो भी ऐसी जगह पे, तो बात ही कुछ और है। यहाँ बच्चे फ्रिस्बी खेल रहे हैं, फैमिलीज। ये देखो ऐसे क्रिकेट व्यूअर्स मिल जाएंगे, पाए जाएंगे इस देश में आपको हर जगह। जहाँ आप पत्थर मारोगे वहाँ से क्रिकेट व्यूअर, क्रिकेट लवर नजर आएंगे आपको। इन्हें लगा बैटिंग तो मिल नहीं रही, देख ही लेते हैं कैसे बॉलर है, कैसे बैट्समैन है। फिर मन में सोचोगे इसको तो मैं पेल दूंगा। आप हमारे सारे देश के लोगों को टेम्प्ट कर रहे हैं भाई। इतना प्यारा है, यहाँ पे आए तो अपने बैट बॉल जरूर लेके आए, और वो अगर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ है तो क्रिकेट जरूर खेल सकते हैं। आप पछता रहे हैं आप नहीं लेकर आए? खेलते मेरे साथ, मेरे साथ खेलते, फिर तो मुझे बॉलिंग ही करनी पड़ती वो नहीं चाहिए, बैटिंग भी चाहिए होती है। IPL इन कनासर, दैट्स आई थिंक राइट टैगलाइन। फ्रेंड्स, कनासर में थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद हम वापसी निकल पड़े अपने होटल की तरफ, और ये चक्राता में हमारा लास्ट डे था। हमने सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर करे हैं अपने पार्ट वन में, पार्ट टू में, और ये हमारा फाइनल पार्ट है। आप बताइए आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट
लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके कमेंट्स और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम और अच्छी बढ़िया वीडियोस और वीलॉग्स आपको ला पाएँ नई नई ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए। टिल देन, घूमो वर्ल्ड के साथ घूमते रहिए।